समझ लो क्या हो गया। जी कैसे? माथे पे लिखा है ओके सदानंद जी, आज सूरज हमारे साथ लंच करेगा जी। थैंक यू। हेलो, हाँ जिमी, जिमी चिल, आई विल बी देयर सर, एक्सक्यूज मी। हाँ जिमी, यो कम, आई गॉट इंटरव्यू किया। अरे जिमी चिल, आई विल बी देयर, रिलैक्स। नो नो, इतनी मोस्टन मेरे कसरी, आई गॉट कम फास्ट या, डोंट वरी, डोंट वरी, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, डोंट वरी अबाउट इट, ओके, जस्ट चिल, जस्ट रिलैक्स, ओके, आई विल बी देयर, ओके, बाय। सॉरी सर, आई विल मेक अ मूव। कहाँ जा सकते हैं? अरे आचार्य जी ने आपको लंच के लिए इनवाइट किया है। नॉट पॉसिबल, मेरे बचपन का दोस्त है जिमी, पेरिस में रहता है, डांसिंग गर्ल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, इसीलिए मुझे उसके साथ किसी डांसिंग जॉइंट पर जाना पड़ेगा। तुम्हारा वहाँ पाँव रखना ठीक नहीं होगा, किसी और को भेज दो। आई कांट डू दैट, ही विल फील बैड, बचपन का खास दोस्त है मेरा। आचार्य जी के साथ मेरा लंच उधार रहा जी। ओके, आइए आइए आइए। क्या है, किससे मिलना है? सितारा देवी को मिलना है। सितारा देवी डेंजरस तो, डेंजरस तो, इंडियन ब्यूटी, इंडियन ब्यूटी। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। बाबा वो डॉली को बुलाओ। स्त्री, एक मिनट, डॉली, स्त्री, इंडियन ब्यूटी, इंडियन ब्यूटी, आई एम हियर, आई एम हियर, कोरियोग्राफी। हेलो, अरे तो फिर आ गया मुआ? नमस्ते जी, मेरा नाम सूरज है, यह है नेपोलियन, मेरे बचपन का दोस्त, पेरिस में रहता है, डांसिंग गर्ल्स के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। अरे तो इस बेचारे को समझाओ, डाकुओं पर फिल्म बनानी है तो यहाँ क्यों चला है? डॉक्यूमेंट्री, कोरियोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री, छोटी सी फिल्म जिसमें ये दिखाना चाहता है कि प्राचीन नृत्य कलाकारों के घराने की लड़कियाँ कैसे नृत्य करती हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अच्छा तो ये आड़ा टेढ़ा होकर ये समझाने की कोशिश कर रहा था और हम समझ ही नहीं पाए पान चबाते। वो ऐसा है कि ये सिर्फ फ्रेंच अच्छी तरह बोल सकता है या टूटी फूटी अंग्रेजी, क्या बोलता है किसी को समझ नहीं आता। चार पांच लड़कियों की जरूरत पड़ेगी। इस काम के लिए चार पांच दिन भी लग सकते हैं। और इस काम के लिए आपको मुंह मांगी रकम भी मिलेगी। जी हो स्त्री, स्त्री आजा आजा बैठ जाए, चाय लाओ भाई लड़कियों, आजा स्त्री अंदर आजा। गुड, वेरी गुड, यूरेका यूरेका, स्त्री मैं को कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी या कोरियोग्राफी, सब ठीक हो गया। अस्त्रो फास्त्रो, मैं पायल, मैं बिंदिया, मैं लाली, काजल, केसरी, चंदन, मेहंदी और मैं डोली। अच्छा एक बात बताओ, ये डोली क्या नाम है? मैं बहुत छोटी थी, जब पता नहीं कैसे सितारा देवी तक पहुंच गई, ना माँ का ध्यान ना बाप का पता, मगर जितनी लड़कियां थी उनके नाम श्रृंगार से जुड़े हुए थे, बस एक डोली की कमी थी तो मेरा नाम डोली रख दिया गया। शादियों में हम नाच गा तो सकते हैं,
पर हमारे हाथों की लकीरों में मांग का सिंदूर कहाँ? Very strange to hear. प्यार और परिवार के बगैर जिंदगी गुजारने का ख्याल भी कैसे जीने देता है तुम्हें? ख्याल ही तो जीने देता है हमें. हमारी जैसी लड़कियों का बस एक ही सपना होता है कि एक राजकुमार सफेद घोड़े पर आएगा और हमें अपने महल ले जाएगा. लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं होता. तुम्हारी फिगर बहुत अच्छी है. मैं जिस्मानी मेहनत बहुत करती हूँ. और तुम्हारी मुस्कुराहट से फूलों जैसी खुशबू आती है. पत्थरों में रहकर कागज के फूलों की जिंदगी जी रही हूँ मैं, फिर भी खुद पर कीचड़ नहीं पड़ने दिया. आपको करीब से जाने की गुस्ताखी करना चाहूंगी. एनआरआई हूँ, लंदन में रहता हूँ डैड और छोटी बहन कविता के साथ. डैड बिजनेस के दीवाने हैं, इसीलिए मैं अपने देश में अपनी फैमिली का नाम रोशन करने के लिए आया. तो आप यहाँ से दौलत बटोर कर ले जाने आए हैं. पर सोच लीजिएगा, हम हिंदुस्तानी देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं. दौलत तो आप ले जाएंगे पर दिल यही छोड़ जाएंगे. ये सौदा महंगा तो नहीं? I don't think so. हो साथी मेरे, साथी मेरे, साथी मेरे, साथी मेरे. नजदीकी को अगर दोस्ती का दर्जा मिल जाए तो मैं कोई भी कुर्बानी दे सकती हूँ. ना चाहत है सितारों की, ना तमन्ना है नजारों की, जब आप जैसा दोस्त मिल जाए तो क्या जरूरत है कुर्बानी की. थैंक यू. तो आप कब तक हैं यहाँ? मैं यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूँ. एयरपोर्ट? मैंने आज तक कभी एयरपोर्ट नहीं देखा. क्या मैं भी आ सकती हूँ आपके साथ, आपको टाटा करने? ये बात और है कि आपसे जुदा होने का गम महसूस करना चाहती हूँ. इसमें मेरे सारे टेलीफोन नंबर्स हैं. कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो या मुझसे बात करने का दिल चाहे या मेरी याद आए तो फोन करने के लिए सोचना मत.
जस्ट कॉल मी।